Hello lovely students, welcome back to my YouTube channel Learning by Heart. Student, I am new here and need your support so that I make more educational videos. So please keep supporting me. Friends, आज हम पढ़ेंगे multiplication using number line. ये class 1 के maths का topic है. So let's start. यहाँ पे हम लोग number line करेंगे. First देखिए कैसे करना है. हम लोग example देखते हैं. 3 into 4, तो 3 है, तो हम 3 का gap छोड़-छोड़ के arrow देंगे. 4 है, तो 4 times देंगे. तो हमारा answer 12. अब हम यहाँ पे solve करते हैं, जैसे यहाँ पे बोला है 2, तो यहाँ से हम लोग इसको start करेंगे 0 से, तो 2 तक जाएंगे. 1, 2, तो 2. ऐसे करके फिर 1, 2, तो फिर 2. ऐसे करके कितने times जाना है? 4 times. तो हम लोग अभी 1, 2, 3, 4. तो हमारा आंसर है 8. तो अब अभी आप लोगों को पता ही होगा कि 2 4 से 80 होता है. इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट. नेक्स्ट है 5. तो 5 का गैप छोड़ेंगे. तो यहां से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5. तो यहां तक जाएंगे. कितने बार? 3 बार. फिर नेक्स्ट जाते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 तो 10. हम लोग दो बार गए और एक बार जाएंगे. 1 2 3 4 5 तो ये हमारा आंसर आया 15. और हमें पता है कि 5 3 से 15, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है. नेक्स्ट है 4. तो यहां से हम लोग 4 का गैप छोड़ेंगे. 1 2 3 4 कितने बार छोड़ेंगे? 5 बार. फिर से 1 2 3 4 5 सॉरी 4 1 2 3 4 तो दो बार गए और 3 बार जाएंगे. तो यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4. ये याद रखना, हम लोगों ने यहां पे खत्म किया तो इसके बाद से हम लोग गिनती करेंगे 4 बार. 1 2 3 4 नेक्स्ट 1 2 3 4 4 टाइम्स. यहां पे कितना लिखा है? 5. तो हम लोग ये एरो 5 टाइम्स देंगे. तो 1 2 3 4 20 इज द आंसर. वी नो दैट 4 5 इज 20. ओके, अगर अभी